हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। ये आपका एक वीडियो में स्वागत करते हैं, और स्वागत इस समय पे कर रहे हैं जब हम घर पे बिल्कुल आपको कुछ दिखा नहीं सकते, और कहते कि यही जगह बैठे बैठे बस आपसे 2 मिनट बातें कर सकते हैं। तो हमने सोचा चलिए बातें ही कर लेते हैं 2 मिनट, क्योंकि अभी तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था 7 मार्च को रात में, वही करीब 11:10 बजे पे हमारे घर के पास में थोड़ी दूर पे। तो कहते हैं कि उसमें हमें चोट आ गई थी, हाथ में आई थी और पैर में आई थी, जिसमें पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो वो तो कहिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि दर्द हो रहा था, लेकिन अभी अब थोड़ा हाथ में दर्द आराम हो गया है और पैर में बस अभी देखते हैं, अभी परसों तक जाएंगे पक्के प्लास्टर के लिए, और देखते हैं क्या बताते वो लोग कि अभी पक्का प्लास्टर चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है। तो अभी अगर कुछ भी होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और कहते हैं कि आप लोग बस प्रार्थना करिए भगवान से कि जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि ना अभी अंकिता की रिकवरी बाकी है और अंकिता की रिकवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो जैसे भी तैसे हो जाएंगे अभी रिकवर, तो बस आपसे बस यही चाहिए कि आप प्रार्थना करें अंकिता जल्दी से जल्दी सही हो जाए और मेरा पैर भी सही हो जाए। ये रहा मेरा प्लास्टर वाला पैर जो कि अभी बिल्कुल चमक रहा है वाइट वाइट तरीके से, और ये रहा मेरा वॉकर, है तो वैसे ही अंकिता का वॉकर बट अभी हम यूज कर रहे हैं इसको, कहीं भी जाना होता है इसको अभी हम लेके जाते हैं। और अभी ये अपना हाथ है जिसमें चोट लगी थी, अभी ये पूरा ऊपर उठता नहीं है, ऊपर उठने पे दर्द होता है, इतना उठने पे दर्द होता है और आगे आने पे दर्द होता है, तो ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ बिल्कुल चलती हैं। तो बस एक यही छोटी सी वीडियो थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी रिकवरी हम दिखाते रहेंगे। आज इसमें समझ लीजिए फर्स्ट फर्स्ट वीडियो है एक्सीडेंट के बाद का, और अभी जब तक रहेंगे तब तक तो आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेंगी, और कहते उसके बाद देखते हैं कि कैसे वीडियो मिलती है कैसे नहीं। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शॉर्ट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी और वो आपको हम बनाते रहेंगे। और तो बस हम यही चाहते हैं आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और अभी चोट तो कई सारी जगह पे थी बट अभी वो धीरे धीरे रिकवर हो गई है। शोल्डर पे थी तो उसका निशान भी लगा हुआ है, और ये हाथ पे थी, हाथ पे भी अभी सही हो रहा है। तो अभी चलिए कुछ नहीं, टाइम चाहे जैसा हो हंसते रहना चाहिए ताकि रिकवरी अच्छी हो। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रार्थना करते रहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी सही हो जाएं, क्योंकि ना कहते हैं कि मतलब जो लोग वीडियो देखते हैं या फिर कहते हैं जो लोग पेशेंट देखते हैं ना, तो उसके मुंह से जो मतलब प्रार्थना निकलती है तो बहुत अच्छी प्रार्थना निकलती है, सीधा भगवान तक पहुंचती है, तो वो जल्दी से जल्दी सही हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से प्रार्थना करिए और सही हो जाए। हम बस ये अभी हाथ इतना उठने पर दर्द होता है, और इधर थोड़ा पीछे जाने पर दर्द होता है, इधर थोड़ा आगे आने पर, और काफ़ी इसमें आराम है, वरना अभी 2 दिन तो उठा नहीं था बिल्कुल। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।